हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैंने आपको रात बता ही दिया था कि मैं रात कचलाम ही मैंने स्टे किया था। कल रात में मैं पहुँच गया था, आप लोगों ने वीडियो देखी ली होगी। और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी कचलाम में मैं कहाँ रुका था यही चीज़ मैंने आपको कल बताई नहीं थी। तो ये देखिए, नरेश पाल सिंह यादव चेयरमैन है मौजूदा। अभी ये उनका निवास ये सामने है, अंदर गली है। ये वाला जो घर दिख रहा है उनका पूरा टोटल उन्हीं का है सारा। तो हम लोग उन्हीं के निवास पर रुके थे। तो रात में मैं उनसे आपको मिलवा नहीं पाया था। मतलब मेरी मुलाकात तो उनसे हो गई थी, बातचीत भी काफ़ी अच्छी से हुई। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे से बैठे बैठे खाना पीना ये वो सब कुछ हुआ। अभी भी 12 बज रहा है तो थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि वो माने नहीं कि खाना वाना खा कर जा रहा है ये वो। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया मैं अभी भी। तो अभी हम लोगों का जो प्लान है वो मैं और पार्टी के शायद कुछ और लोग वो अपने साथ इकट्ठे करेंगे। तो अभी वो हम लोग जा रहे हैं जल लेने के लिए, जा रहे हैं घाट पर। तो चलो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये रहा चेयरमैन साहब का घर, ये उनका बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अंदर चलते हैं। और वो देखो भैया अपनी साइकिल खड़ी हुई है, और ये भैया, चलो अंदर चलते हैं। ये बैठे हैं, ये भाभी हैं, और ये भैया हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। ये भैया हैं एक, ये हैं नरेश यादव जी जो अभी यहाँ के चेयरमैन हैं। भैया बताएं कुछ। और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। आपके यहाँ रात में रुका, आपने बड़ा अच्छे से सबको ट्रीट किया। अभी भी मैं भैया के साथ अभी खाना वाना खाया सब कुछ। और अब भैया के साथ हम लोग जल भरने जा रहे हैं समाधि के लिए, ठीक है। गंगा मैया पर ले जा रहे हैं भैया के लिए जल भरवाने के लिए जी। और वहाँ काफ़ी लोग हैं हमारे कश्यप लोग। अच्छा, आपके लोग हैं? हाँ, हमारे लोग हैं कश्यप लोग, वहाँ बढ़िया आदमी है सब। अच्छा, बड़ा आपका वो करेंगे भैया जी का जी, बड़ा स्वागत होगा आपका। और बाकी अभी धर्मेंद्र भैया से मेरी बात हुई थी जी, जी, जी। तो मैंने उनको आपके बारे में बताया कि मैं आपके यहाँ रुकाऊँ, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा लगा उनको भी सुनकर। तो बाकी कुछ धर्मेंद्र भैया के कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे बिल्कुल, बड़े भाई हमारे, और बड़ा उनने हमारे विकास को किया है बधाइयों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और दोबारा मेहनत कर रहे हैं हम लोग तो भैया जी को फिर दोबारा एमपी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से निकले हम लोग? हाँ चलिए चलेगा। चलिए तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ से निकलने के बाद आगे दिखाता हूँ कि भैया ने क्या प्लान कर रखा है और हम लोगों को कहाँ जाना है, उस हिसाब से फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से निकल के आगे बढ़ता हूँ। नरेश यादव जी के घर से निकल चुके हैं चेयरमैन साहब के, और जा रहे हैं घाट पर। भैया घाट पर जा रहे हैं हम लोग यहाँ से गंगा जल भरने के लिए, समाधि के लिए। और अभी भैया ने कुछ लोगों अपने बात वगैरह कर ली है, तो सब लोग वहाँ मिल जाएंगे हमें, रिसीव कर लेंगे। तो बाकी देखो भाई, देखिए क्या नज़ारा आया रास्ते में, बहुत खुश। तीन दिन बाद जाकर अब मैं बाइक पर बैठा तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, और बहुत आराम मिला है बॉडी में, मतलब पैडल मारते मारते ही काम हो गया। चलिए अब आपसे घर पर जाकर, घर पर पहुँच कर आपसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं आपसे। अब हम लोग यहाँ एंट्री कर रहे हैं, देखिए तो हम लोग यहाँ घाट पर पहुंच चुके हैं। देखो स्नान तो हमने घर पर ही कर लिया, तो यहाँ अब वापसी में ही देखेंगे।
जब अभी कावर जब चलते हैं तो ये जगह भी छोड़ी पड़ जाती है, कितना बड़ा फील्ड है जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक, है ना। मगर जब कावर चलते हैं तो ये भी छोटा पड़ जाता है फील्ड, बताओ। एक चीज़ की छोटी सी और रिक्वेस्ट है भाई, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं ना, देखो यहाँ पर इंसान जल भरने भी आता है, वो आप देख सकते हो आगे, देखो वहाँ चिता जल रही है, ठीक है। आदमी यहाँ हर तरह का आता है, हर चीज़ के लिए आता है, मगर यार हम लोग जो ये जो पन्नियाँ हैं ना ये, ठीक है, जैसे ये पन्नी है, कोई यहाँ पर फूल लाया हुआ या कुछ भी लाया हुआ, उसने ये पन्नी यहाँ पर लाकर जैसे फेंक दी है, तो यार ये चीज़ नहीं होना चाहिए भाई। देख लो अखबार पड़ा है, देखो जितने भी कपड़े वपड़े हैं वो देखो सब इसी के अंदर ऐसे फंसे पड़े हैं। अब देखो ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो लोग देखो सब वो डुबकी लगा रहे हैं वहाँ पर, वो सामने देखो सारे भाई लोग, ठीक है, उधर देखो चेता। तो यार अगर हम लोग यहाँ की भी अगर सफाई नहीं रख सकते इस तरीके से, तो यार फिर लानत है मेरे ख्याल से हम लोगों के ऊपर। अगर हम लोग सफाई इस तरह नहीं रखेंगे यहाँ पर तो वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पर अपनी श्रद्धा से इंसान आता है, स्नान करने आ रहा है, गंगा जल लेने आ रहा है, अपनी कोई मन्नत बोली है, बाल बाल उतारने आ रहा है, सब कुछ करने, तो यार ये चीज़ अगर साफ सुथरा यहाँ पर रहे तो आपके और हमारे लिए ये चीज़ अच्छी है यार। तो प्लीज़ भाई इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, बाकी गवर्नमेंट अपना पूरा सहयोग कर रही है इन चीज़ों को साफ सफाई करने के लिए, आप लोग भी प्लीज़ सफाई सुथराई रखें भाई, तो वो अच्छा होगा यार। चलिए बाकी अभी चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और आगे का आपको दिखाते हैं, और फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें फिर आगे का सफ़र अपना तय करना है। चलो भैया बोर्ड में बैठते हैं और बोर्ड में बैठ के चलते हैं नेताजी के लिए जल लेने के लिए। चलिए क्योंकि इधर पानी बहकर जा रहा है ना, तो हम लोग इधर ही जाएंगे शायद, ठीक है। आगे आते हैं दिखाते हैं, बोर्ड स्टार्ट हो गई है और अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। ये देखो ये चेयरमैन साहब बैठे हैं, हाथ में पीपीए लेकर, देखो अपने साथ में, और ये सारे जो भाई लोग हमारे साथ में आए हुए हैं ये चेयरमैन साहब के साथ में ही हैं, तो इन्होंने देखा कि हम लोग यहाँ जल के लिए आए हैं तो सारे लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। तो ये देखो भाई सब लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर, ऊपर ये ओवरब्रिज बना हुआ है, यहाँ से हम लोग साथ जा रहे हैं आगे से, थोड़ा आगे बढ़कर यहाँ से जल लेंगे, उसके बाद फिर वापसी करते हैं, फिर निकलते हैं। काफ़ी आगे आ गए हैं हम लोग, और मैं यहाँ थोड़ा इसलिए भी आ गया हूँ कि यहाँ बैठ कर अच्छे से वीडियो भी बन जाएगी, और दूसरी चीज़ क्या है कि उधर बैक साइड में इंजन है ना, तो इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो यहाँ आवाज़ कम आई। ये देख सकते हो आप यहाँ भैया का लगा है शीतल जल, नरेश पाल सिंह यादव, और ये भैया का है कार्यालय, ये वाला जो गेट लगा है अंदर, और ये सामने भैया का बोर्ड लगा है रोड के इस पर, और ये भैया का अंदर सामने घर हो गया, ये जो ऊपर झंडा लगा दिख रहा है, ये मंदिर जो दिख रहा है। चलिए भैया चलें घर की तरफ चलें। चलिए ये आपको मैंने दिखा दिया, अब यहाँ से निकलते हैं भैया से मिलकर, अपनी साइकिल उठाते हैं, और अब मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ, साइकिल मेरी रेडी हो चुकी है,
और तो कागजगंज में है भैया, लोगों ने छोड़ दिया। ये भाभी खड़ी हैं, ये इनका बेटा है और ये चेयरमैन साहब हैं। मैं इन लोगों से मिल गया हूँ और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं यहाँ से। अभी आपने देखा होगा चेयरमैन साहब के साथ मैं आया था जल लेने के लिए, तो अभी उनके घर वापस चला गया था मैं, तो वहाँ से मैं अपनी गाड़ी साइकिल उठाकर गाड़ी बार बार निकलता है वहाँ से निकल गया हूँ। 1.5-2 किलोमीटर वहाँ से ये घाट है, ठीक है। तो उस टाइम आपसे एक बात कहना चाहता था, अगर किसी को खुद पर बहुत ज़्यादा घमंड है ना, या खुद को लगता है कि मैं जो होता है ना मैं इंसान के अंदर, तो ये दिमाग से भाई गलतफहमी निकाल दो। मैं भी आधा एक घंटा रुक कर गया था, आगे भी बोर्ड से गया, आप लोगों ने देखा, ये देखो भाई मेरे और आपके जैसे कितने मैं कहने वाले ना, ये जो रेत आप देख रहे हो ना, इसमें कितने लोगों की अस्थियां हैं अभी जो धूल के रूप में उड़ रही हैं, देख रही हैं उनकी गाड़ियां निकल रही हैं जब, और वो देखो जो धुआं उठ रहा है ना वो चिता जल रही है, और एक चिता वो अभी ताजी आई है, जो धुआं उठ रहा है जस्ट इसके बराबर में देखो, और एक में देखो बहुत तेज लपटें उठ रही हैं। ये लाइन से 4 चिताएं हैं, 2 में अभी आग लग रही है, और देखो, और जो लोग कहते हैं ना कि मेरा ये मेरा वो मेरा ये मेरा वो, तो भाई साहब आप देख लो, आपके और मेरे लिए भी पैदल हर कोई आना पसंद नहीं करेगा, गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ी से आए हैं, गाड़ी में बैठ के वापस चले जाएंगे, और वो देखो अभी चिता ढंग से पूरी ख़त्म भी नहीं हुई है, लोग चल दिए। तो आफ्टर ऑल मैं ना कहें, जो हूँ मैं हूँ, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें। और दूसरी बात, कुछ अच्छा करें लोगों के साथ, और जो भी कर सकते हैं किसी के लिए भी, किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हो आप, वो चीज़ करो। और कब्रिस्तान, शमशान भूमि, ये घाट किनारे हुए इस टाइप से, कभी यहाँ जाओ, आधा एक घंटा जाकर बैठ कर आओ किस इन इन सारे स्थल पर, कहीं भी आपको हमारे और आपसे कई ज़्यादा अच्छे, कई गुना अच्छे हर चीज़ में, यहाँ ज़मीन में जाते, आग में जाते, गंगा मैया में बहते, आपको सब दिख जाएंगे। हमारा अंत यह है, तो अपनी जो जर्नी है वो अच्छी रखो, ताकि लोग आपको याद रखें, लोग आपको प्यार करें, और ऐसा कुछ करो जो और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपसे प्यार करें, आपको माने समझें, ये नहीं है। तो भाई जब तक लोगों के लिए भला नहीं करोगे ना, लोगों के लिए कुछ करोगे नहीं, आपको दुआ नहीं मिलेगी, आपके लोगों का प्यार नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो लोगों की सपोर्ट पाने के लिए आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों की दिक्कत परेशानी सुनना पड़ेंगी, ठीक है। तो हर तरीके से आप कनेक्ट हों, अपना अच्छे से अच्छा करें, सब कुछ देखें, वो बेस्ट रहेगा। तो चलिए, ज्ञान हो गया अच्छा खासा, और अब यहाँ से निकलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं, मगर यह नहीं भूलना आप, बस हमारा अंत यहाँ है, ठीक। किसी का कब्रिस्तान है, किसी का शमशान भूमि है ना, मगर ओवरऑल मरना सभी को है, ये तो तय है। और सबको जो पेड़ दिखाकर लोग जाते हैं ना, तो इनका प्यार जीतो, जो ये लाइफ टाइम आपको याद रखें, 40 मिनट के बाद लोग भूल जाएं, ऐसा वाला प्यार नहीं रखना है, लाइफ टाइम आपको याद रखें। आज मुलायम सिंह जी के लिए मैं जा रहा हूँ, काफ़ी बार मैंने ट्राई किया कि मैं इनसे मिलूँ, इनसे मिलूँ, इनसे मिलूँ, मुलाकात नहीं हो पाई, काफ़ी लोगों से कहा नहीं मिल पाया, क्योंकि इनसे मिलना आप सभी लोग जानते हो एक बड़ी बात है, और काफ़ी टाइम से फिर बीमार चल रहे हैं, तब तो फिर लॉकडाउन भी बीच में हो गया कोरोना, इसके बाद से काफ़ी दिक्कत हो गई, नहीं हो पाया। आज मेरे अंदर ये चीज़ जागी, मेरा प्यार, मुझे लगा कि नहीं यार जाना चाहिए, तो आज मैं जा रहा हूँ। इसी तरह प्यार, कितने लोग ऐसे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं हमारे, अमर हैं ये लोग यार, ये कभी नहीं मरने वाले लोग हैं, मर तो चुके हैं, मतलब कभी ना मरने वाले, हमारी यादों में कभी नहीं मरेंगे। तो चलिए यहाँ से सफ़र आगे करते हैं, और आगे जाकर आपसे मिलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको कुछ नया, और कुछ लोगों से मिलवाते हैं। चलिए, ये रोड देख रहे हो आप,
ये लगता है जैसे लेवल है, हम बाइक पर बैठे हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, स्पीड दिया निकल जाते हैं, मगर भाई साइकिल से मालूम चलता है कि कहाँ चढ़ाई है और कहाँ ढलान है। बहुत ज़्यादा चढ़ाने कई जगहों पर, तो बहुत ज़्यादा चढ़ान, और यहाँ तो कहीं वैसा कहीं छाई भी नहीं है, पेड़ की जगह जगह झाड़ छाई है हल्की फुल्की, तो वो भी पतझड़ भी निकला है, तो उसकी वजह से देखो पेड़ भी ज़्यादातर ऐसे ही हैं और ये प्रॉपर तरीके से छाई भी नहीं है। देखो वो देखो बीच में जगह छाई है, हम वहाँ बैठी हैं। टाइम क्या हो रहा है, 1:57 हो गए हैं, 1:50 भाई। दोपहर ही आया, बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो 2 मिनट रुकेंगे यहाँ पर, पानी वानी पी लें यार, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि कल मुझे एक भाई ने बोला भी था कि कचला के बाद आपको चढ़ाई ज़्यादा मिलेगी, तो फिर जाहिर सी बात है अगर चढ़ाई मिलेगी तो फिर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तो फिर ढाल भी मिलेगी थोड़ी उसके बाद, तो उसके बाद फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ से थोड़ा पानी पीने, 2 मिनट रुकेंगे सिर्फ, ऐसे खड़े रहेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी पीछे से आ रहा था तो यहाँ छाई देखकर थोड़ा सा रुका, तो ये मैंने देखा कि कुछ प्लेट्स यहाँ पर पड़ी हैं, और 2 प्लेट आगे पड़ी हैं, 2 उधर नीचे पड़ी हैं, और बाकी 3 प्लेट ये पड़ी हैं, ठीक है, ये डिस्प्ले ग्लास पड़े हैं, और इस प्लेट में थोड़ा कुछ पकौड़ी बची है, इसमें ही सब्जी पड़ी है, उधर अंदर सब वो देखो जो प्लेट पड़ी हुई है, कहाँ है कहाँ है दिख रही है, वो पड़ी है देखो सामने यहाँ पर। तो लोगों ने यहाँ पर जो भी रोटी पूड़ी या जो भी सब्जी वगैरह है वो ऐसे ही फेंक दिए, और ये प्लेट भी ऐसे ही फेंक दिए हैं। फिर इंसान कहता है गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट वो ऐसा वैसा ये वो, है ना, तो भाई ये ही खाना अगर आप बचा कर एक पन्नी में रख लेते हैं, और कहीं भी कोई बंदर, इतने बंदर यहाँ मिलेंगे आपको हाईवे पर, रास्ते में जंगल ही जंगल है पूरा, आप किसी के सामने यहाँ डाल देते तो भाई कितना अच्छा आपके लिए रहता है और आपको कितना पुण्य मिलता और उनका भी पेट भरता, ठीक है। और पहली बात तो झूठा खिलाना नहीं चाहिए, आप ये साइड में रख लो, उतना लो ना वो है ना, उतना लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में या कूड़े में, तो भाई ये चीज़ ध्यान रखो इस चीज़ के लिए, भाई बहुत गलत चीज़ है ये। आज भी इंडिया तो इंडिया, इंडिया के बाहर भी लाखों करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं आज भी, तो भाई प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें यार, ये रिक्वेस्ट है, सफाई रखें और अन्न को बर्बाद ना करें, किसी भी धर्म किसी भी जाति से आप हो, ठीक है, पेट रोटी कोई धर्म नहीं देखता, कोई जाति नहीं देखता, कोई जानवर कोई इंसान कुछ नहीं देखता है, भूखा रोटी चाहता है, अगर आप किसी भूखे तक खाना पहुंचा देते तो कितना अच्छा होता। मैं भी पीछे रुका था गंगा पर, मैं शमशान ऊपर तो जहाँ चिता वगैरह जल रही थी वहाँ पर मैं वही बता रहा था कि कर्म पानी और अन्न ये चीज़ भाई बर्बाद ना करें, अच्छा है। उम्मीद करते हैं भाई लोग जो देखेंगे इस वीडियो को इस चीज़ को लोग फॉलो करेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि इसको वेस्ट ना करें। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आगे कुछ और। नगरिया पर अभी रुका हूँ, तो ये भैया हैं मोनू यादव हैं इनका नाम, तो ये भैया ने भी मुझे रोका है, बोले क्या उद्देश्य, मैंने भैया को बताया तो भैया मिले हैं अभी, तो भैया से यहाँ 2 मिनट बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और कहीं रोकने की सोचते हैं, क्योंकि टाइम आप देख सकते हो 2:30, तो आधे घंटे के लिए कहीं रुकेंगे, वीडियो अगर अपलोड करते हैं उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा रेस्ट करने के बाद। मुझे पानी चाहिए था तो पानी मेरे पास था नहीं यार, तो मैंने एक जगह से ले लिया था, वहाँ बोतल मिली नहीं थी, तो ये मोनू भाई जो भी मिले हैं ये आगे फिर रुके हुए थे, तो ये इंस्टाग्राम फेसबुक, उन्होंने अपने फेसबुक पे भी काफ़ी लोगों को टैग किया है मेरे साथ सेल्फी वगैरह लेकर, तो काफ़ी लोगों के साथ इन्होंने टैग किया है मेरा फ़ोटो आगे जो लोग हैं उनके साथ, तो भाई मुझसे बोतल लेकर गए हैं पानी पूछने के लिए कि पानी होगा तो भाई मैं लेकर आता हूँ, आप यहीं रुको, आप मजा हो यार,
अब देखता हूँ भाई आ गए वरना भाई कह रहे हैं वरना मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ से पानी 4-5 किलोमीटर दूर मिलेगा, मैं आपको ला के दे दूँगा वरना आगे मिलेगा। चलिए ठीक, ये यहाँ से आते समय बहुत बढ़िया जगह मिल गई, एक वो साफ़ सुथरी जगह है और काफ़ी स्पेस है बैठने के लिए, और यहाँ मेरी साइकिल के लिए देखने के लिए जगह भी मिल गई अच्छी। तो फिर मैं यहाँ रुक कर यहाँ पर ही वीडियो अपलोड करूँगा बैठ कर। ये जगह ठीक है, काफ़ी स्पेस है, देखो भाई आराम से अपना स्टूल निकालते हैं यहाँ बैठते हैं, और नल भी यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ मुँह हाथ वगैरह धोएंगे अपना आराम से, और थोड़ा यहाँ रुकेंगे यार। ये देखिए मोनो ये जो है पानी ले आए हैं, धन्यवाद भैया। ठीक है भैया मैं आपको फ़ोन करूँगा। ये देखो भैया, भैया पानी की बोतल भी लेकर आ गए हैं, और ठीक चलिए यहाँ बैठते हैं थोड़ी बहुत देर, फिर आपसे आगे कंटिन्यू करते हैं।